हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज आप और हम मिलकर देखेंगे मैड मैक्स मूवी सीरीज के तीनों पार्टों को रिबूट करके बनाई गई एक मूवी जिसका नाम है मैड मैक्स फ्यूरी रोड। इस मूवी में हमें एक ऐसा दौर दिखाया जाता है जहां पर जमीन बंजर बन चुकी है, पानी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है और लोग एक दूसरे को पेट्रोल के लिए मरने मारने पर उतारू हैं। और अब पेट्रोल ही इस दौर के लोगों की सबसे बड़ी दौलत बन चुकी है। तो गाइज, इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए मुझे थोड़ा सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे अभी आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और गाइज, अगर आपने अभी तक इस मूवी सीरीज के इससे पहले तीन पार्टों का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आप इस एक्सप्लेनेशन को मेरे इसी चैनल पर जाकर देख लीजिए, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि इस तरीके के हालात दुनिया में किस तरीके से पैदा हुए थे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं मैक्स को, जो कि रेगिस्तान में हमें खड़ा हुआ दिखाई देता है। मैक्स किसी जमाने में एक पुलिस वाला हुआ करता था, लेकिन अब तो दुनिया में ना पुलिस बची है और ना ही कोई आर्मी। ये दुनिया पूरे तरीके से तबाह हो चुकी है, क्योंकि दुनिया में आपस में न्यूक्लियर वॉर हुआ था, जिससे इस धरती पर हवाएं जहरीली हो गई थी और जमीनें अब बंजर बन चुकी है। अगर आपको ये सब देखना है तो आपको इस मूवी सीरीज के इससे पहले तीन पार्टों को देखना होगा, और इन तीनों पार्टों का एक्सप्लेनेशन मैंने अपने इसी चैनल पर कर रखा है। तो आप इस एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद इन तीनों पार्टों के एक्सप्लेनेशन को जरूर सुन लें, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि इस तरीके के हालात क्यों पैदा हुए थे। और अब हम देखते हैं मैक्स को, जो अपनी कार को लेकर इस रेगिस्तान में आगे के लिए बढ़ता है। और कुछ ही दूर चलने के बाद मैक्स की गाड़ी पर इस रेगिस्तान के लुटेरों का एक गैंग हमला करता है। ये सभी लुटेरे वहाँ मैक्स की गाड़ी में टक्कर मारते हुए उसे पलटा देते हैं और मैक्स को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। ले जाकर मैक्स के ऊपर काफी सारे टैटू बनाते हैं और उसके ब्लड ग्रुप का नाम लिखते हैं ओ नेगेटिव, जो कि एक यूनिवर्सल ब्लड डोनर है। इन लोगों ने मैक्स को अब एक अपना गुलाम बना लिया है, और जैसे ही ये मैक्स पर अपनी गुलाम वाली मोहर लगाते, मैक्स इनके चंगुल से भाग जाता है। लेकिन ये सभी लुटेरे मैक्स को वहाँ फिर से पकड़ लेते हैं। इस जगह ये सभी लुटेरे इमोर्टल जो नाम के एक आदमी के गुलाम हैं। इमोर्टल जो एक ऐसा मास्क पहनता है जिसके दोनों तरफ दो पाइप लगे हुए हैं, और इन्हीं पाइप के जरिए से इमोर्टल जो सांस लेता है, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर के बाद इमोर्टल जो और उसके सभी गुलाम किसी तरह की बीमारी के शिकार बन चुके हैं, इसलिए इन सभी लोगों को हमेशा ब्लड की जरूरत पड़ती रहती है। और इन लोगों ने अब मैक्स को अपना गुलाम बनाकर अपना एक ब्लड बैंक बना लिया है। और यहीं हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम फ्यूरियोसा होता है। फ्यूरियोसा भी इमोर्टल जो के लिए ही काम करती है, और आज फ्यूरियोसा को इमोर्टल जो ने पेट्रोल चुराने के लिए एक पेट्रोल स्टेशन पर भेजा है। लेकिन फ्यूरियोसा उस पेट्रोल स्टेशन पर ना जाकर पूरब की ओर जाने लगती है। ये देखकर जब उसका एक आदमी उससे बोलता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो फ्यूरियोसा उसे बोलती है कि हम पूरब जा रहे हैं। फ्यूरियोसा इन सभी लोगों में सबसे सीनियर है, इसलिए फ्यूरियोसा की बात पर कोई ज्यादा सवाल नहीं करता है। इधर इमोर्टल जो एक जायरोस्कोप की मदद से ये सब देख लेता है कि फ्यूरियोसा दूसरे रास्ते पर जा रही है। ये देखकर इमोर्टल जो सिक्योरिटी से लैस एक चैम्बर में पहुंचता है। इमोर्टल जो इस चैम्बर में लड़कियों को कैदी बनाकर रखता था, जिनसे वो अपने बच्चे पैदा कराता था, ताकि इमोर्टल जो का वंश हमेशा चलता रहे। और इमोर्टल जो इस चैम्बर में देखता है कि उसकी सारी बंदी बनाई हुई लड़कियां यहाँ से जा चुकी हैं। ये देखकर वो समझ जाता है कि फ्यूरियोसा ही इन सभी लड़कियों को यहाँ से ले गई है, और वो अपने सभी गुलामों से फ्यूरियोसा का पीछा करने के लिए बोलता है। ये सुनकर इमोर्टल के सभी गुलाम काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो इमोर्टल के लिए अपनी जान भी देने के लिए राजी थे। इमोर्टल जो की ये सभी लुटेरों की आर्मी अपनी गाड़ी के स्टेयरिंग को निकालकर एक जगह रख दिया करती थी, और जब इन लोगों को किसी मिशन पर जाना होता था तो ये उसी स्टेयरिंग को वापस से अपनी गाड़ी में लगाकर अपने मिशन पर निकल जाते थे। और अब ये सभी गुलाम अपने अपने स्टेयरिंग को उठाते हैं और वहाँ से फ्यूरियोसा को पकड़ने के लिए निकलते हैं। यही हम देखते हैं कि एक गुलाम काफी ज्यादा कमजोर था और उसे ब्लड की बहुत जरूरत थी, इसलिए ये गुलाम मैक्स को अपनी गाड़ी के आगे बांध कर ले आता है, क्योंकि इस गुलाम ने मैक्स को अपना एक ब्लड बैंक बना लिया है। और इधर हम देखते हैं फ्यूरियोसा को, जो कि दूसरे लुटेरों के इलाके में पहुंच जाती है। ये देखकर इस इलाके के लुटेरे वहां फ्यूरियोसा का पीछा करने लग जाते हैं, लेकिन पीछे से आ रहे फ्यूरियोसा को पकड़ने के लिए इमोर्टल जो के आदमी इन दूसरे इलाके के लुटेरों से फाइट करते हुए वहां एक एक करके सभी को मार देते हैं। और अब ये सभी जब फ्यूरियोसा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वहां पर काफी तेज रेत का तूफान आ रहा होता है, लेकिन फ्यूरियोसा इस तूफान के अंदर एंट्री कर जाती है और वो गुलाम जिस
जिसकी गाड़ी पर मैक्स बंधा हुआ है वो भी फ्यूरियोसा का पीछा करते हुए उसके पीछे तूफान में आ जाता है। और ये गुलाम जब फ्यूरियोसा की गाड़ी के नजदीक पहुंचता है तो ये अपनी गाड़ी में बहुत सारा पेट्रोल फैला लेता है, जिससे ये अपनी गाड़ी को वहाँ ब्लास्ट करके फ्यूरियोसा को रोक सके। इससे पहले कि ये गुलाम अपनी गाड़ी को वहाँ पर ब्लास्ट करता, मैक्स इसके हाथ को पकड़ लेता है और इन दोनों के बीच में वहाँ पर हाथापाई होने लगती है, जिससे इस गुलाम की गाड़ी फ्यूरियोसा की गाड़ी के आगे आ जाती है और वो वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि तूफान पूरे तरीके से शांत हो चुका है और मैक्स अभी जिंदा है और ये गुलाम पूरे तरीके से बेहोश हो चुका है, पर मैक्स इस गुलाम के साथ एक जंजीर में बंधा हुआ है। और मैक्स को यहीं पर फ्यूरियोसा का वो ट्रक दिखाई देता है जिसमें फ्यूरियोसा इमोर्टल जो कि लड़कियों को लेकर भागी थी। ये देखकर मैक्स इस गुलाम को लेकर उस ट्रक के पास पहुंचता है और वहां मैक्स इन सभी लड़कियों पर गन पॉइंट करते हुए बोलता है कि मेरी इस जंजीर को काट दो। ये सुनकर इनमें से एक लड़की जब मैक्स की जंजीर को काटने के लिए आती है तभी फ्यूरियोसा मैक्स पर हमला कर देती है और इन दोनों के बीच में वहाँ पर काफी तेज फाइट देखने को मिलती है। और वहाँ इसी फाइट के चलते इस गुलाम को भी होश आ जाता है और अब ये गुलाम और मैक्स दोनों वहाँ पर फ्यूरियोसा को पकड़ लेते हैं। ये देखकर वो गुलाम काफी ज्यादा खुश होता है और वो मैक्स की जंजीर वहाँ पर काट देता है। अब मैक्स की जंजीर कटते ही मैक्स वहाँ से इस फ्यूरियोसा के ट्रक को लेकर जाने लगता है। ये देखकर फ्यूरियोसा अपने साथ लाई इन सभी लड़कियों से बोलती है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो। और ये सभी लड़कियाँ फ्यूरियोसा के साथ उस ट्रक का पीछा करने लगती हैं क्योंकि इनके पीछे से इमोर्टल के सभी आदमी इनको ढूंढते हुए आ रहे हैं। इधर कुछ ही दूर चलने के बाद मैक्स का ये ट्रक रुक जाता है और फ्यूरियोसा वहाँ पर इन सभी लड़कियों के साथ पहुँच जाती है और वो मैक्स से बोलती है कि मैंने इस ट्रक में एक सीक्वेंस सेट किया है जिसकी वजह से इस ट्रक को मेरे अलावा कोई और नहीं चला सकता है। ये देखकर मैक्स फ्यूरियोसा के साथ इन सभी लड़कियों को इस ट्रक में बिठा लेता है और अब ये लोग इस ट्रक को लेकर एक पहाड़ी इलाके में पहुँच जाते हैं और फ्यूरियोसा इन सभी से बोलती है कि मैंने इस इलाके के लुटेरों से डील की थी कि ये हमें अपने इलाके से सुरक्षित जाने देंगे। ये बताते हुए फ्यूरियोसा इन सभी से बोलती है कि तुम इस ट्रक में अंदर छुप जाओ। और फ्यूरियोसा अब इस ट्रक से नीचे उतरकर इस इलाके के सभी लुटेरों से बोलती है कि जो हमारे तुम्हारे बीच में डील हुई थी उसके मुताबिक मैं तुम्हारा पूरा पेट्रोल ले आई हूँ। फ्यूरियोसा ने इस इलाके से सुरक्षित जाने के लिए इस इलाके के लुटेरों के साथ पेट्रोल की डील की थी और ये पेट्रोल फ्यूरियोसा के इस ट्रक के पीछे एक टैंकर में भरा हुआ है। इससे पहले फ्यूरियोसा वहाँ इस पेट्रोल से भरे टैंकर को अपने ट्रक से अलग करती, वो देखती है कि इमोर्टल की पूरी आर्मी इस पहाड़ी इलाके में आ चुकी है। ये देखकर मैक्स इस ट्रक को स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगता है और फ्यूरियोसा भी जल्दी से इस ट्रक में बैठ जाती है। और अब इस इलाके के लुटेरे इमोर्टल की इस आर्मी को आते हुए देखकर वहाँ की एक चट्टान को ब्लास्ट करते हुए इस रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे इमोर्टल के ये सभी आदमी वहाँ पर रुक जाते हैं। और अब इस इलाके के लुटेरे अपनी बाइकों से मैक्स के इस ट्रक का पीछा करने लगते हैं। ये देखकर मैक्स और फ्यूरियोसा इन सभी बाइकर्स को वहाँ एक एक करके मार देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर इमोर्टल जो अपनी गाड़ी को लेकर आ जाता है और जब वो मैक्स और फ्यूरियोसा पर गोली चलाने वाला होता है तभी इस ट्रक के गेट को खोलकर इन सभी लड़कियों में से एक लड़की बाहर आती है। इमोर्टल जो इस लड़की को काफी प्यार करता था इसलिए वो इस लड़की को वहाँ नहीं मारता है, लेकिन वो इनके ट्रक को रोकने के लिए एक जंजीर फायर करता है और ये जंजीर इनके ट्रक के स्टेयरिंग में फंस जाती है। ये देखकर वही लड़की इस जंजीर को काटने के लिए ट्रक से बाहर आती है। ये लड़की इस जंजीर को तो काट देती है लेकिन इनके ट्रक का बैलेंस खराब होने की वजह से इनका ट्रक एक चट्टान से टकरा जाता है और ये लड़की इस ट्रक से नीचे गिर जाती है। ये देखकर पीछे से आ रहा इमोर्टल जो इस लड़की को बचाने के लिए अपनी गाड़ी को एक चट्टान पर चढ़ा देता है, जिससे उसकी गाड़ी यहीं पर पलट जाती है। और जब वो अपनी गाड़ी से बाहर आकर इस लड़की को देखता है तो ये लड़की वहाँ पर अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। इधर हम देखते हैं मैक्स और फ्यूरियोसा को जो कि लगातार अपने रास्ते में बढ़ रहे हैं और अब फ्यूरियोसा को इस रेगिस्तान में एक टावर दिखाई देता है। ये देखकर फ्यूरियोसा बोलती है कि पहले मैं जिस जगह रहा करती थी उस जगह भी ऐसा ही एक टावर था। अब फ्यूरियोसा यहाँ पर अपने ट्रक से उतरकर बाहर आती है और वो जोर जोर से यहाँ पर अपने कबीले और अपना नाम बताते हुए बोलती है कि अगर मुझे यहाँ पर कोई सुन रहा है तो मेरे सामने आओ। ये सुनकर वहाँ पर एक बाइक गैंग आता है और इस बाइक गैंग में सभी फीमेल होती हैं। इन्हीं में से एक लेडीज वहाँ फ्यूरियोसा को अपने गले से लगाती है क्योंकि ये फ्यूरियोसा की माँ होती है। अब फ्यूरियोसा अपने साथ लाई इन सभी लड़कियों को दिखाते हुए इन लेडीजों से बोलती है कि मुझे इन लड़कियों को लेकर अपने घर ग्रीनलैंड पर जाना है। ये सुनकर ये सभी लेडीजें फ्यूरियोसा से बोलती हैं कि ग्रीनलैंड को तो तुम पीछे छोड़ आई हो लेकिन अब ग्रीनलैंड पर कुछ भी रहने लायक नहीं बचा है, वहाँ की पूरी जमीन बंजर बन चुकी है। अब फ्यूरियोसा ये सब सुनकर वहाँ काफी ज्यादा दुखी हो जाती है
और अब ये सभी लोग वहाँ पर डिसाइड करते हैं कि कल का हम अपना सफर इस सूखे समंदर से आगे के लिए तय करेंगे। ये सुनकर मैक्स इन सभी लोगों से बोलता है कि सूखे समंदर से आगे जाने पर भी हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तक हम लोग यहाँ तक देखते आए हैं कि चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, इसलिए हम लोगों को वापस इमोर्टल जो के किले पर ही पहुंचना चाहिए। अगर हम लोग उस जगह पर कब्जा करने में कामयाब हुए तो हम लोगों को वहां पर पानी और हरियाली सब कुछ मिल सकता है। मैक्स की इस बात से सभी लोग सहमत हो जाते हैं और अब इमोर्टल जो के किले की तरफ निकलते हैं। इधर इमोर्टल जो इन लोगों को वापस किले की तरफ जाता हुआ देख लेता है और वो सोचने लगता है कि किले पर उसका कोई भी सिपाही नहीं है, इसलिए ये लोग किले पर कब्जा करने के लिए वहाँ जा रहे हैं। ये सोचते हुए इमोर्टल जो इन लोगों का पीछा करने लगता है और ये लोग वहाँ इमोर्टल जो के कई आदमियों को मार देते हैं, लेकिन इमोर्टल जो इन लड़कियों में से एक लड़की को उठा लेता है। ये देखकर फ्यूरियोसा इमोर्टल जो की गाड़ी में पहुंच जाती है और उसके मास्क को निकालते हुए इमोर्टल जो को वहीं पर मार देती है, लेकिन अभी भी इन लोगों के पीछे इमोर्टल जो के काफी सारे आदमी पड़े हुए हैं। ये देखकर वो गुलाम जिसने मैक्स को अपना ब्लड बैंक बनाया था वो इस पेट्रोल से भरे ट्रक को वहाँ पर ब्लास्ट कर देता है और इसी ब्लास्ट में इमोर्टल जो के ये सभी गुलाम वहाँ पर मारे जाते हैं। यही फ्यूरियोसा काफी ज्यादा घायल हो जाती है और उसे ब्लड की काफी जरूरत होती है। ये देखकर मैक्स वहाँ फ्यूरियोसा की बॉडी में अपना ब्लड डोनेट करना शुरू करता है, जिससे फ्यूरियोसा थोड़ी नॉर्मल हो जाती है। और अब ये सभी लोग इमोर्टल जो के किले पर पहुंच जाते हैं और इस किले पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। जब ये लोग वहां पर इमोर्टल जो की बॉडी को दिखाते हैं तो उसे देखकर यहां के लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और यहाँ के इन सभी लोगों के लिए पानी भी खोल दिया जाता है, क्योंकि इमोर्टल जो तो अपनी मनमर्जी के हिसाब से ही पानी छोड़ा करता था। और अब फ्यूरियोसा इस किले की मालिक बन जाती है और वो लास्ट टाइम इस भीड़ के बीच में मैक्स को देखती है जो कि यहाँ से जा रहा था। फ्यूरियोसा मैक्स को इसलिए नहीं रोकती है क्योंकि वो अपनी मर्जी से यहाँ से जा रहा है। और गाइज इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो गाइज अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए मुझे थोड़ा सपोर्ट करें। और इस मूवी सीरीज के इससे पहले 3 पार्टों का एक्सप्लेनेशन मेरे इसी चैनल पर जाकर देख लें, जिससे कि आप मैक्स की लाइफ की पूरी कहानी को अच्छे से जान पाएंगे। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।